बठिंडी के अंदर अल बेकर कैफे की ओपनिंग करी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की आइटम्स आपको मिलेगी, चाहे केक हो, पेस्ट्री हो, अलग अलग टाइप के। और ओपेरा ये एक वर्ल्ड ब्रांड है और एक अच्छा ब्रांड है। हम चाहते थे कि एक नॉर्मल बजट के अंदर कुछ भी जो चीज़ आती है, एक अपने यूथ को दें, एक नौजवान जो स्टूडेंट है यहाँ पे बठिंडी के अंदर या सुजमा के कोई भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि आप जो ओपेरा एक ब्रांड है जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में होता है, आज एक छोटे से हमारा जो बठिंडी एक छोटी सी सिटी है, इसके अंदर हमने एक ओपेरा का जो ब्रांड ओपन करा है। यहाँ पे वो भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मगर हमने ओपेरा का इसीलिए लॉन्च करा है क्योंकि नॉर्मल रेट्स है, रेट्स को लेकर बजट में है। और आप देख सकते हैं कि इसको बहुत ही क्लीन हमने एक छोटा सा रखा है, आगे हमने एक जो छोटा सा एक पार्ट बनाया है उसमें, और उसके बैक साइड रफ एंड टफ, जैसे कि आप देखते हैं कि सिद्धरा रोड पर चले जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा होता है, रफ एंड टफ एरिया होता है, और हमने वैसे एक रफ एंड टफ एरिया बनाया। और मुझे उम्मीद है कि अच्छे से हमारे जो क्लाइंट आएंगे, हम उनको अच्छा यहाँ पे जो है सर्व करेंगे और इस चीज़ की फैसिलिटी देंगे। और इस चीज़ की भी हमें खुशी होती है कि हमारे यूथ जो है, नौजवान हैं जो है, जो काम करते हैं, तो इस चीज़ की हमें भी हम सबको खुशी होती है कि हमारा यूथ है वो काम करेंगे। और अरफाज साहब भी हमारे बीच में आए, हम इनका ये भी जब भी कभी कोई भी काम होता है तो अरफाज साहब हमारे में आ जाते हैं, चाहे अच्छे बुरे जो भी काम हो, कभी कोई मुश्किलात भी आया हम पे आते हैं तो अरफाज साहब यहाँ पहुँचते हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज साहब हमारे पास आए। और हम चाहते हैं कि आप भी आप थोड़ी सी वीडियो डालें कि किस तरीके से हमने ओपेरा का जो ब्रांड है यहाँ पर लॉन्च किया है। बाकी आप सदाम भाई आपसे बात करेंगे। नाम सदाम हुसैन है और यहाँ पे सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अरफाज भाई का, आप लोगों का जो आप यहाँ पे मेरे कहने पे आए कि यहाँ पे आए मेरी इस शॉप को कैप्चर करें, ताकि आप एक लोगों तक पहुँचा सके कि मैं इस शॉप पे क्या रखा है मैंने और किस बजट तक क्या सोच के मैंने ये शॉप खोली है। इसलिए थैंक यू यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपका और अरफाज भाई आपका। थैंक यू। इस शॉप में सबसे पहले मैंने एक फ़िलहाल तो ये ओपेरा का ब्रांड है और इसका नाम मैंने अलफजल बेकर नाम से रखा है। अलफजल एक बहुत ही गहरी थिंकिंग है मेरी जो मैंने सोच के रखा है, बट इसके अंदर ये नहीं कि सिर्फ थिंकिंग ही है, इसके अंदर बहुत कुछ करने का मैंने सोच के रखा है। फ़िलहाल जहाँ तक अभी फ़िलहाल मुझसे हुआ है वो मैंने काफ़ी हद तक किया है, जो अभी इसमें काफ़ी सारी आइटमें अवेलेबल है। जैसे आप फ्रिज में देख सकते हो मिनिमम हमारे पास 15 फ्लेवर्स के केक हैं, 15 से अबव है, बट अभी फ़िलहाल में कुछ अवेलेबल आए हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा, काफ़ी सारे हद तक क्यूट है, अच्छे हैं। और भी काफ़ी सारी आइटमें हैं जिसको मैंने नज़रअंदाज ना करते हुए और भी चीज़ें बनाई हैं, जिसमें लोग आकर सेलिब्रेट कर सकते हैं, बैठ के खा पी सकते हैं। और भी मेरी शॉप में काफ़ी सारी फैसिलिटी है, जैसा आप देख सकते हैं पीछे। लोकेशन क्या रहेगी? लोकेशन इसकी है, ये बठिंडी नियर बाय आलमा इकबाल लाइब्रेरी है जो कि मक्का मस्जिद से थोड़ा लोअर में है। क्या करना चाहिए यहाँ के बठिंडी के लोगों को? यहाँ के बठिंडी के लोगों में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ बठिंडी में दरअसल मैंने एक चीज़ देखी है कि बेकर्स शॉप छन्नी में चला जाओ, छन्नी में भी कम से कम आपको मैंने मोर मतलब काफ़ी टाइप्स के बेकर्स मिलेंगे, बट बठिंडी में मैंने अभी तक जो है कुछ ही दो वैरायटी टाइप्स के बेकर्स देखे हैं, जिसको सोच कर मैंने भी एक तीसरा वैरायटी डाली है। और मैं देखना चाहूँगा कि उनके मुकाबले में मतलब मेरा किस हिसाब का है, इसलिए मैंने भी अपना मतलब विचार रखे कि ये शॉप डाली है, देखते हैं। देखें जी, ये जो सदाम भाई ने यहाँ पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है बठिंडी चौकी के बिल्कुल साथ में, जो यहाँ पे इन्होंने ये बेकर्स करके यहाँ पे जो ये बेकरी से रिलेटेड केक्स वगैरह तरह तरह की आइटम्स यहाँ पे मिल रही हैं इनके द्वारा, यहाँ से आज से जो ये शुरुआत की गई है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। और मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो आस पास के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर एक बार आएँ और सदाम को जो है अपनी सर्विसेज देने का एक बार ज़रूर मौका दें। और मेरी तरफ़ से सदाम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। और
हाँ।